जयपुर का आफ्टर बारिश के बाद है वो नज़ारा। आज दिन भर से ही है, दोपहर से ही है, जयपुर में बारिश का दौर जारी था, रुक रुक के है वो बारिश हो रही है। और इस बारिश के बाद है जो तापमान है वो बिल्कुल डाउन हो गया है, लोगों को है वो ठंडक का एहसास हो गया है। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा बारिश के बाद दिख रहा है, पूरा जयपुर शहर है वो साफ सुथरा दिख रहा है एकदम से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें दिख रही है और जो ट्रक रोड है वो साफ सुथरे दिख रहे हैं। अक्सर बारिश के बाद है वो सफाई जो हो जाती है रोडों की। तो ये आज डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें जगतपुरा जयपुर से। बारिश के बाद है जो हरे भरे पेड़ हैं वो बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद उनकी जो धूल मिट्टी थी वो धुल गई है। और 2 से 3 दिन का जो राजस्थान में बारिश का अलर्ट रखा गया है कि पूरे राजस्थान में बारिश होगी, जिसमें आज पहला दिन था जिसमें दोपहर से ही है वो बारिश हो रही है। काफ़ी तेज बारिश थी और उस बारिश की वजह से पूरा जो मौसम है वो सुहावना ठंडा हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। आप देखोगे दूर तक अभी भी है जो पानी है वो रोडों के किनारे देखा जा सकता है। अभी बारिश रुकी है थोड़ी देर पहले ही, रोड के किनारे पानी भर गया है और जो पेड़ पौधे हैं, गार्डन है, उनमें पानी लग गया है, बड़े ही सुंदर और साफ सुथरे दिख रहे हैं। जयपुर की अलग अलग जगह से है बारिश की खबरें आ रही है, जगतपुरा, मालवीय नगर, BKI, तमाम जगह पर बारिश का दौर जारी है और पूरा जो आसमान है वो अभी भी गहरा काला कोहरा दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं और लगता है एक बार फिर से है वो बारिश हो गई। तो लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने तरीके से और इस ठंडे मौसम में, सुहाने मौसम में हर कोई है वो आनंदित हो रहा है। तो इस बारिश की पहली सीजन का आप भी आनंद लीजिए और बताइए आपके किस किस क्षेत्र में, राजस्थान में कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है। अभी ये तस्वीरें डायरेक्ट दिखा रहे हैं आपको हम जयपुर से, आप भी बताइए आपके किस किस क्षेत्र में बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ पर अभी तक बारिश हो चुकी है और कहाँ कहाँ बारिश होने के आसार बन रहे हैं। मंदिर जगतपुरा श्री कृष्ण बलराम जी का मंदिर, जिसके गुम्बद के ऊपर है जो ध्वजा पताका है वो बड़े ही शान से लहरा रही है, काफी सुंदर नजारा है यहाँ का। काफी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं श्री कृष्ण बलराम मंदिर में, काफी भीड़ रहती है वीकेंड के दिन, काफी तादाद में आसपास के लोग हैं वो आते हैं। और जयपुर में एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में ये दर्शनीय स्थल है, जो भी एक बार जयपुर आता है तो जयपुर के जो तमाम मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर है, अक्षयपात मंदिर है, गलता जी मंदिर, उन तमाम मंदिरों में भ्रमण करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज वही आशीर्वाद एक बारिश के रूप में मिल रहा है जयपुर वासियों को, जहाँ गर्मी से है वो बेहाल थे, आज उन्हें ठंडक मिल रही है, मौसम सुहाना हो गया है और रह रहे कर रुक रुक कर वो बारिश आ रही है। तो ये तस्वीरें डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं हम जयपुर से, जयपुर जगतपुरा मंदिर से, श्री कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।